मतदान शुरू हो गया है। दीदी ने भी आज नामांकन से पहले मंदिर के दर्शन किए, आज वोटिंग हो रही, आज भी दर्शन हमेशा नामांकन से पहले, वोटिंग से पहले और काउंटिंग से पहले, ये मेरा पुराना रवैया है। और ललिता देवी बहुत ही मान्यता प्राप्त देवी हैं और मैं देवी उपासकी हूँ, तो मैं जो हूँ वो हमेशा माथा टेकती हूँ, नवरात्रों में हमेशा आती हूँ, आज भी यहीं से शुरू कर रही हूँ। और बहुत ढेर सारे प्रत्याशी बड़े जीत के दावे कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, जो जीत के दावे कर रहा होगा कर रहा होगा, जीत बीजेपी की हो रही है, ज़बरदस्त लहर है बीजेपी के हक में। और यहाँ पर मोदी जी को लोग मान चुके हैं कि भारत का भविष्य उन्हीं के हाथों में सुरक्षित है। मेरे पिताजी का काम, मेरी माँ की पॉपुलैरिटी, मेरा अपना दस्तक जो मैंने प्रयागराज के इलाहाबाद की सियासत में, राजनीति में दी है, ये सब जुड़कर एक, मैं समझती हूँ, बहुत अच्छी प्रचंड बहुमत से जीत होनी चाहिए। एक चीज़ जानना चाहेंगे, इलाहाबाद से लड़ रहे हैं आप, यूपी मंत्री रह चुके, 5 जटिल समस्या क्या मानती हैं इलाहाबाद की? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक जीवन है, उसको थोड़ा और उठाने की आवश्यकता है, एक। दूसरा, यहाँ पर किसानों की जो समस्याएं, पेयजल है पठारी इलाकों में, पथराली इलाकों में, और सिंचाई की जो व्यवस्था है वो। तीसरा, रोज़गार संबंधी दिक्कतें हैं। और फिर हमारा जो ये नगर है, इसमें जो गंगा की सफाई का काम है वो तेज़ गति से हो, STPs हमारे जल्दी बने, तो मुख्य रूप से गंगा संरक्षण का काम है, सिंचाई और किसानों का काम है, नैनी के फिर से उद्भव का काम है, यहाँ के इकोनॉमिक लाइफ को रिवाइव करने का। जीत के बाद ये 5 समस्याएं दूर होंगी? दूर नहीं, इससे जूझा जाएगा। आप जानते हैं कि मैं तो बहुत लागी नेता हूँ, महिला हूँ, और लग कर काम करूँगी। और जब आप लग के कोई काम करो तो सफलता आपको खुद मिलती है। एक चीज़ है, राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, आपके पिताजी यहाँ हार के सामने, आप जीत का बदला लेंगे जीत से? देखिए, कोई राजघराना नहीं, हम तो बहुत मेरे दादा तो पटवारी थे, कोई घराना नहीं है, लेकिन हाँ, सेवा का बहुत लंबा हम लोगों के सेवा का एक इतिहास है पूरे परिवार का। और हम लोगों ने बहुत ही स्वच्छ राजनीतिक जीवन जिया है, तो निश्चित रूप से उसका लोगों में, हम लोगों के प्रति स्नेह है और वही प्रदर्शित हो रहा है वोट के रूप में। और पिताजी जब हारे थे तो उस समय इंदिरा जी का असैसिनेशन हुआ था, आज परिस्थितियाँ भिन्न हैं, लोग चाहते हैं एक स्ट्रांग गवर्नमेंट हो, मोदी जी मुख्य प्रधानमंत्री बने। ओके, ये थे रीता जोशी जी, जो कि प्रयागराज के इलाहाबाद से इच्छा उम्मीदवार हैं। ये अपने जीत के बाद जो 5 अहम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर जीत के बाद पूरे करेंगे, इनका ये कहना है। और आज सबसे बड़ी बात, जीत से नामांकन से पहले इन्होंने मंदिर के दर्शन किए थे, आज वोटिंग हो रही, आज भी दर्शन किए, माँ से कामना की है जीत सुनिश्चित हो। आनंदराज, अमरजला.com, प्रयागराज।